हम लोग को इसका सीखना है कि प्रेजेंट इंफिनिटिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं गाइस, ठीक ना। तो प्रेजेंट इंफिनिटिव क्या होता है गाइस? वर्तमान अनिश्चित प्रश्नवाचक वाक्य के। तो गाइस प्रश्नवाचक वाक्य गाइस क्या होता है? प्रश्न पूछने वाला गाइस वाक्य, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा गाइस सेंटेंस जिसमें हम लोग ऐसे कहते हैं प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसे ही हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। तो गाइस क्वेश्चन जो होता है गाइस दो तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है? दो वे होता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस में अगर लोगों को इस क्वेश्चन पूछना है तो दो वे से पूछते हैं। कितने वे से गाइस? दो तरीके से। पहला तरीका हम लोगों का होता है हाँ या तो ना का क्वेश्चन, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे पाते हैं वो गाइस क्या होता है? यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। क्या बताता है? यस या नो क्वेश्चन सेंटेंस होता है ना, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, और गाइस सेकंड जो होता है गाइस यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, जैसे गाइस पूछे कि क्या आप पढ़ते हैं क्या आप नहीं पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो इसका आंसर हम लोग कैसे देते हैं? हाँ या तो ना में, वो होता है हम लोग का यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। और ऐसा क्वेश्चन गाइस जिसका हम लोग जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाते उसे गाइस हम लोग डिटेल क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटेल क्वेश्चन सेंटेंस, डिटेल क्वेश्चन सेंटेंस। तो क्वेश्चन कभी भी गाइस हम लोग दो तरीके से पूछते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका होता है गाइस यस या तो नो का, और दूसरा तरीका होता है गाइस डिटेल। ओके, चलिए गाइस हम लोग देखते हैं जब इंग्लिश में गाइस क्वेश्चन पूछते हैं तो गाइस कैसे पूछते हैं, ये सीखना है हम लोग। मिटा देना इसको। देखिए इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स में क्या होता है सूत्र। तो देखिए सेंटेंस गाइस क्या होगा, सबसे पहले गाइस जब प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस में क्या शब्द अगर सेंटेंस के शुरू में हो गए, कहां हो गए, क्या शब्द अगर सेंटेंस के शुरू में हो गए, तो सबसे पहले गाइस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है गाइस तो सबसे पहले डस लगाते हैं। क्या लगाते हैं गाइस? डस। अगर सेंटेंस में जो गाइस सब्जेक्ट होगा अगर प्लुरल का होगा तो डस की जगह पे हम लोग लगाएंगे डू। ओके, और गाइस नेगेटिव के लिए डजंट, और दो के जगह डोंट का यूज करेंगे। ओके, तुरंत गए जो भी हम लोग का सब्जेक्ट आया होगा उस सब्जेक्ट को गाइस लगा देंगे। ओके, उसके बाद गए वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में गाइस क्या लगाएंगे? अदर। कोई प्रॉब्लम? वो गाइस ये होता है गाइस यस या नो क्वेश्चन के लिए। और अगर ये डिटेल का क्वेश्चन हो यानी कि सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन आ जाए, जो प्रेजेंट इंडिफिनिटिव का सेंटेंस हो गाइस, अगर बीच में उसमें क्वेश्चन आ जाए कि क्या आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों बीच में आ गया ना क्वेश्चन, बीच में आ गया ना, तो जब भी ये सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इंग्लिश में उसको बनाते हैं और सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या तो डस लगाएंगे, और नेगेटिव के लिए क्या लगाएंगे? डोंट या तो डस लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में इसके लगाएंगे अदर। कोई दिक्कत तो गाइस पूछ लीजिए। ये होता है गाइस लिटन क्वेश्चन। ओके, कोई प्रॉब्लम गाइस? अब गाइस देखते हैं हम गाइस सिंपल, क्या देखेंगे? सिंपल, सिंपल में देखेंगे पहचान। इसकी किस पहचान क्या होगी, कैसे पहचानेंगे गाइस कि कौन सा यस नो है और कौन सा डिटेल है, पहचानना आना चाहिए गाइस। तो देखिए गाइस सिंपल टर्म देखिए गाइस, इसका सिंपल टर्म यानी गाइस पहचान। पहचान पहले पहले वाली पहचान बता देंगे, पहले वाली पहचान गाइस क्या होगी, क्या शब्द सबसे शुरू में जब भी आएगा गाइस, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट हुआ, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है सिंगुलर या तो प्लुरल, सब्जेक्ट दो होते हैं गाइस, बताया गया ना, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है दूसरा क्या होता है प्लुरल। ओके,
तो सब्जेक्ट होगा गाइस, उसके बाद गाइस वर्ब होगा और वर्ब के बाद ता है, ती है, जान ते बटा पड़ी सकते नहीं होगा। देखिए गाइस अगर क्या सब सेंटेंस के शुरू में हो उसके बाद सब्जेक्ट हो वह हो गई ता है ती है या तो ते हो गई। अगर ऐसा सेंटेंस होता है सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आया होता है और लास्ट में ता है ती है ते आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का यही पहचान है ना कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है ता है ती है ते। और क्या शब्द शुरू में आएगा गाइस, तो सबसे पहले डू या तो डस लगाइएगा, डू या तो डस लगा लेंगे। अगर सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर हुआ तो गाइस डस का यूज और प्लूरल के लिए डू का यूज करेंगे, ओके। अगर सेंटेंस निगेशन का, यानी कि इस सेंटेंस में अगर नहीं शब्द का यूज कर दिया हुआ है तो डज के जगह पे डजंट और डोंट के जगह पे अरे डू के जगह पे डोंट। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा गाइस तो नहीं, कोई दिक्कत। सेकंड वाले का बताएं, इसमें गाइस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट पहले आता होता है उसके बाद क्वेश्चन बनाया होता है। जब भी गाइस सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन बनाया तो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में। क्वेश्चन कितने होते हैं 14, 14 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 14 क्वेश्चन में से कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो और गाइस उसके बाद गाइस क्या हो वर्ब हो और प्लस ता है ती है या ते है सेंटेंस से लास्ट में कहना है, तब गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा ना इसकी में सबसे पहले हम लोग इस ट्रांसलेशन करते वक्त लिखते हैं, ओके। उसके बाद हमेशा क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जब लास्ट में ता है ती है ते आया तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डू या डस, यही होता है ना। हमने गाइस आईके ऑप्शन में हम लोगों को बताया गाइस आईके ऑप्शन में क्या होता है यस या ईएस फ्रॉम डू डस के डू डस, यही होता है ना गाइस। तो डू डस जब भी कहा जाएगा तो हम लोग डू डस होता है इसका हेल्पिंग वर्ब, तो तुरंत क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाएंगे डू या तो डस, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस और प्लूरल होगा तो डू, ओके। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आया होगा इसलिए इसको लिख लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे अदर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा इसको दिक्कत। चलिए गाइस देखिए एग्जांपल बताना गाइस, पहले वाले गाइस देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना कि क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, सीखते आपको कई ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछना होता है, ऐसा पूछते ना कि क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, तो गाइस हिंदी में इंग्लिश में अगर गाइस मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है किसी से आपको कि क्या आप इंग्लिश सीखते हैं ये, तो हमने गाइस बताया कि अगर ये सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है या तो ते आया हो और सेंटेंस के स्टार्ट में अगर गाइस क्या हो क्या, तो गाइस क्या इंग्लिश क्या लिखते हैं डू या तो डस, सब्जेक्ट हम लोग गाइस क्या है आप इंग्लिश यू, यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल गाइस, प्लूरल ना, तो प्लूरल के लिए क्या लगता है गाइस डू, कराएंगे डू, उसके तुरंत बाद गाइस कराना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इस संदर्भ में आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है यू, यू, उसके बाद गाइस वर्ब, वर्ब इसमें गाइस क्या है सीखना, सीखने की इंग्लिश क्या होती है लर्न, आधा तो इस कुछ बच रहा है अभी यस सर, इंग्लिश बच रहा है गाइस, सबसे लास्ट में देंगे। तो गाइस अगर पूछा है किसी से आपको क्वेश्चन कि क्या आप इंग्लिश सीखते हैं तो डू यू लर्न इंग्लिश करेंगे, डू यू लर्न इंग्लिश क्या सर नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर गाइस क्या है क्या सर नहीं पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गाइस क्या लिखेंगे, हमने बताया है कि क्या अगर सेंटेंस के शुरू में होता है तो सबसे पहले हम लोग गाइस क्या लगाते हैं डू या तो डस गाइस, तो गाइस क्या है गाइस सिंगुलर है गाइस, सर क्या है गाइस सिंगुलर होते हैं, सर या मैम गाइस क्या होते हैं गाइस सिंगुलर होते हैं, इस वजह से हम लोग गाइस क्या लाएंगे डस, सब्जेक्ट गाइस कौन है सर, नेगेटिव डजंट सर नेगेटिव है, ओह सॉरी गाइस डजंट, उसके बाद ये तुरंत क्या लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है गाइस सर, डजंट सर, वर्ब का हम लोग गाइस क्या है पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ाना गाइस करेंगे टीच, अदर गाइस कुछ बच रहा है हम लोग का नहीं, तो गाइस क्या लेंगे डजंट सर टीच करेंगे, जैसे गाइस दिखा रहा ऐसा हो सचिन कहां खेल रहा है पढ़ता है, कहां की इंग्लिश क्या होती है
उसके बाद हम लोग इसका करना है डू या तो डस। सब्जेक्ट हम लोग अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, सचिन सिंगुलर होता है इस प्लूरल सिंगुलर, इसको क्या लाएंगे आपको क्वेश्चन गाइस किसी से पूछना है कि आप सब कोचिंग क्यों नहीं जाते हैं, कोई भी अगर इससे पूछना है तो भी लोग अगर आप सब पूछ जाएं कि आप सब कोचिंग क्यों नहीं जाते हैं। सबसे पहले हमने गाइस क्वेश्चन बीच में है, इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए थिंग है ना, क्यों तो इसका दिए व्हाई व्हाई। उसके बाद गाइस डोंट क्या कर सकते हैं, क्यों सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज किया है, नेगेशन सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, वैसे डोंट क्या तो डजंट। आप सब्जेक्ट दे देंगे आप सब, आप सब चीज इसका होता है यू आर, यू आर लगाना गाइस, इस वजह से गाइस यू यू प्लूरल होता है तो यू आर भी प्लूरल होता है, तो यू तो प्लूरल के लिए क्या लगता है डोंट 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 आएंगे व्हाई डोंट। सब्जेक्ट गाइस कौन है, यू आर, आप सब, यू आर, वर्ब गाइस क्या है जाना, गो। अदर गाइस क्या बच रहा है, कोचिंग करेंगे।